नमस्कार दोस्तों, आज का एपिसोड बहुत ही स्पेशल है क्योंकि आज हम आपको एक ऐसे सब्जेक्ट के बारे में बताने जा रहे हैं जो क्लैट क्लियर करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आज हमने इनवाइट किया है मास्टर्स इन लॉ ज्योति मैम को, जो हमें बताएंगी लीगल सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंस के बारे में और क्लैट क्लियर करने के लिए कौन कौन से सब्जेक्ट होने ज़रूरी है, किस किस स्ट्रीम के बच्चे क्लैट क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ज्योति मैम। दोस्तों, प्रोग्राम की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन पर प्रेस करना ना भूलें ताकि हर नई नोटिफिकेशन, नई अपडेट आप तक हम पहुँचवा सकें। सो मैम, वेलकम टू द शो। थैंक यू मैम। मैम, आज आप हमें बताने जा रही हैं क्लैट के बारे में। जी, क्लैट है क्या? मैम, क्लैट बेसिकली, क्लैट जो स्टैंड करता है वो कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट कहते हैं उसको। एंड मैम, ये एक सेंट्रलाइज नेशनल लेवल पे एनएलयूज जो है, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज जो है, वो इसको कंडक्ट करवाती हैं। एंड इसके थ्रू यूजी एंड पीजी में लॉ ग्रेजुएट या लॉ मास्टर्स के लिए एडमिशन होते हैं। मतलब अगर आप क्लैट क्लियर कर लेते हैं तो आप किसी भी अच्छी यूनिवर्सिटी में लॉ की आगे की डिग्री के लिए एलिजिबल हैं। जी बिल्कुल, अगर आप क्लैट क्लियर कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपने यूजी क्लैट दिया है और आप यूजी क्लैट क्लियर कर लेते हैं तो आपको लॉ 5 इयर्स इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स जो होते हैं एनएलयू यूनिवर्सिटी के, लॉ 5 इयर्स इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में आपको एडमिशन मिल जाएगा। अगर आप पीजी के लिए देते हैं तो आपको एलएलएम के लिए एडमिशन मिल जाएंगे अगर आप क्लैट क्वालिफाई कर लेते हैं। तो मैम, क्लैट में सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं? मैम, क्लैट में बेसिकली 5 सब्जेक्ट्स ही होते हैं। पहला हमारा इंग्लिश होता है, सेकंड हमारा जीके होता है, थर्ड इज लीगल रीजनिंग, फोर्थ इज लॉजिकल रीजनिंग, फिफ्थ इज योर क्वांट। तो फिर ये किस तरह के, इसके क्वेश्चन पेपर्स कैसे आते हैं? मतलब जो इंग्लिश होती है वो बेसिक होती है या बहुत हार्ड होती है, 11th 12th के बेस पर होती है या कैसे होता है? मैम, इंग्लिश बेसिक ही होती है, जैसे हम बचपन से रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करते हुए आ रहे हैं। तो हमारा जो क्लैट का पेपर है 2022 से हमारा पैटर्न चेंज हो गया है, तो हमारे क्लैट का जो एग्जाम पैटर्न है दैट इज ऑन पैसेज बेस्ड। जो हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करते हैं इंग्लिश में वो पैसेज बेस्ड आते हैं। तो अभी हमारा एंटायर पेपर जो है वो पैसेज बेस्ड आता है। वो किसी भी सब्जेक्ट, हमारे जो 5 सब्जेक्ट्स हैं वो पैसेज बेस्ड आते हैं। एंड रही बात वो इजी होते हैं कि बेसिक होते हैं, मैम 12th भी टिल 10th आती है, आपका इंग्लिश हम बचपन से करते हुए आ रहे हैं, सो इट विल नॉट बी अ प्रॉब्लम फॉर स्टूडेंट्स, वो कर लेते हैं। बट फिर भी यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें स्पेसिफिकली देखनी पड़ती हैं, जैसे कुछ टोन्स हैं, आर्ग्यूमेंट्स हैं, इंग्लिश में भी हमें बहुत कुछ अलग से करना पड़ता है। फिर आपका जीके आता है, जीके में आपको करंट अफेयर्स अच्छे से आने चाहिए। आपको ये नहीं होता कि डायरेक्टली दे आर आस्किंग कि ये कौन है क्या है, बट दे आर लाइक दे आर बेसिकली गिविंग यू वन पैसेज, उसको आपको डील करना है। उस पैसेज को, ऑथर की क्रिटिकल रीजनिंग को समझते हुए आपको आंसर करने हैं उन क्वेश्चंस के। फिर आपका लीगल आता है, लीगल में आपके लीगल प्रोविजंस आते हैं, जो भी बेसिक प्रोविजंस होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन से हो गए, कॉन्ट्रैक्ट से हो गए या क्राइम से हो गए, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। बच्चों को बेसिक्स पता होने चाहिए तभी वो उसको क्रिटिकली एनालाइज करके आंसर कर पाएगा। एंड उसके बाद आपका लॉजिकल आता है, लॉजिकल आपका सेम रहता है, जैसे आप हमेशा लॉजिकल हम पढ़ते आए तो लॉजिकल आपको पैसेज के बेस पे आता है वहाँ पे भी। एंड सबसे बड़ी बात मैथ्स। अच्छा, मैथ्स भी है। मैथ्स जो मैथ्स आती है यहाँ पे, इस बार जो क्लैट का जो पैटर्न है पैसेज बेस्ड, तो यहाँ पे आपको एक पैसेज दिया जाता है मैथ्स में, देन आपको, यस मैम, मैथ्स में भी आपको पैसेज दिया जाता है, एंड देन ऑन द बेसिस ऑफ दैट पैसेज दे जनरेट सम क्वेश्चंस, तो उन क्वेश्चंस को फिर आपको आंसर करना होता है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा चैलेंज जो होता है बच्चे के लिए वो ये होता है कि बच्चे को अपना टाइम मैनेजमेंट देखना पड़ता है। मैम, कौन कौन से स्ट्रीम के बच्चे क्लैट कर सकते हैं? मैम, क्लैट का सबसे बेस्ट पार्ट यही है कि कोई भी स्ट्रीम के बच्चे क्लैट दे सकते हैं, चाहे वो साइंस का हो, कॉमर्स का हो, ह्यूमैनिटीज का हो, कोई भी हो। हाँ, क्लैट कोई भी दे सकता है, किसी भी स्ट्रीम का स्टूडेंट क्लैट दे सकता है। मैम, आप नोज़के में जो क्लैट की कोऑर्डिनेटर भी हैं, तो आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाती हैं? जी, मैं क्लैट में लीगल पढ़ाती हूँ। लीगल पढ़ाती हूँ, वो सब्जेक्ट किस तरह से, मतलब इन दिनों पॉपुलर हो रहा है? मैम, जैसे हम पहले सुनते हैं, पहले बहुत लोग होते थे वो कहते थे कि जो कुछ नहीं करता वो लॉ करता है। अच्छा, ऐसा कहा जाता था। बड़े लोग बोलते थे कि ऐसा कहा जाता था, बट अब आप देखें क्योंकि सोसाइटल चेंजेस इतने हो रहे हैं, इतनी कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस आजकल आ रही हैं, जिसका कहीं ना कहीं ये रीजंस है कि आपको जो करियर अपॉर्चुनिटीज है हमारे लॉ में वो बढ़ रही हैं, डे बाय डे बढ़ रही हैं, डे बाय डे बढ़ रही हैं। एंड ये इतना ज़्यादा डाइवर्सिफाई पाथ है, आपको इतनी ज़्यादा करियर अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं इस एक लॉ फील्ड में, शायद ही किसी और फील्ड में आपको मिलती होंगी। मैम, हर कंपनी को सेटअप होने पर एक लॉयर की ज़रूरत पड़ती है, ऐसा क्यों है? किसी भी कंपनी को सेटअप करने के लिए लॉयर की ज़रूरत इसलिए पड़ती है हमें कि फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी सेटअप हो रही है, उसके कुछ रेगुलेटिंग प्रोविजंस होंगे, उसकी कुछ कॉन्ट्रैक्ट
मैनेजमेंट भी करनी पड़ेगी, कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्टिंग वगैरह भी होगी, क्योंकि अगर कोई कंपनी फॉर्म हो रही है तो उसका एओ भी बनेगा, एमओए भी बनेगा, तो उसको भी चेक करना पड़ेगा वेदर इट इज़ करेक्ट और नॉट, इट इज़ अप टू द मार्क्स ऑन मार्क और नॉट. फिर आपके जब कोई कंपनी बन रही है तो उसमें हमें मेक श्योर करना पड़ेगा कि जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उनका राइट वॉयलेट ना हो, राइट. अगर कोई ऐसा कुछ राइट वॉयलेशन होता है तो उसके लिए भी आपको एडवोकेट की जरूरत पड़ेगी. तो पहले से ही सारे प्रिकॉशंस लेके हमें चलने होते हैं. अब एक कंपनी है फॉर एग्जांपल, एक कंपनी दूसरी कंपनी को एक्वायर करना चाहती है या मर्ज करना चाहती है, तो भी आपको मर्जर एंड बिल्कुल मर्जर एंड एक्विजिशन एक्ट है उसके थ्रू जाना पड़ेगा. अब एक कंपनी में बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, वहाँ पे भी आपको एम्प्लॉयज लॉ फॉलो करना पड़ेगा, वो बेसिक्स जो रूल्स एंड रेगुलेशंस दिए गए वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे. तो आप बिल्कुल आप कहीं पे भी किसी भी एस्पेक्ट को अगर उठाएंगे, इट इज डायरेक्टली रिलेटेड विद लॉ. आपको पता होना चाहिए कि इससे रिलेटेड लॉ है क्या, इसको कैसे करना है, ये आपको फॉलो करना ही पड़ेगा. मैम एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जी, कि कॉर्पोरेट सेक्टर में करियर ऑप्शंस क्या क्या है? मैम कॉर्पोरेट सेक्टर में आजकल बहुत ज्यादा बूम है, जैसे कि आप देख सकते हैं कॉर्पोरेट अटॉर्नीज होते हैं, कॉर्पोरेट इन हाउस काउंसिल्स होते हैं, रियल एस्टेट काउंसिल्स अलग होते हैं, आईपीआर काउंसिल्स अलग होते हैं. तो दीज आर द डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ कॉर्पोरेट. तो इतने सारे डिफरेंट सेक्टर्स हैं. अगर आप हमें अगर एडीआर में जाना है तो अलग लिटिगेशन टीम होगी, अगर हमें मर्जर एंड एक्विजिशन में जाना है तो अलग टीम होगी. दो वी आर हर जगह हर कोई प्रैक्टिस करता है, बट आपको एक एक्सपर्ट नॉलेज चाहिए, आपको स्पेसिफिकली चीजें डील करनी पड़ेंगी. तो आपको एडवोकेट के लिए करियर ऑप्शंस हर जगह हैं, जैसे मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि करियर ऑप्शंस बहुत ज्यादा हैं, हर फील्ड में एक एडवोकेट की जरूरत है, और वहाँ आप इजीली अपने आप को एस्टेब्लिश कर सकते हो इफ यू हैव दैट स्किल्स. आपको आप कोई भी सेक्टर उठा लीजिए, आप कोई भी एक एग्जांपल ले लीजिए, मेडिकल में भी आपको चाहिए होता है, आप जब किसी से कॉन्ट्रैक्ट तो फ्रेम होते हैं वहाँ पे भी, आप किसी से सर्विसेज ले रहे हो, कुछ नहीं होता है. अगर आपको कोई मेडिसिन भी प्रोवाइड करा रहा है या आप किसी से कोई भी इक्विपमेंट्स मंगा रहे हो, तो यू हैव टू एंटर इन टू एन कॉन्ट्रैक्ट. तो वो कॉन्ट्रैक्ट को रिव्यू कौन करेगा? That has to be in some advocate there, right? तो आपको मेडिकल में भी लाइन मिल, आपको जॉब मिल गई. फिर अगर आप मान लीजिए आप किसी आईटी कंपनीज में हैं, तो आईटी कंपनीज के भी क्लाइंट्स होते हैं, क्लाइंट्स को वो भी कॉन्ट्रैक्ट फ्रेम करते हैं. अगर वहाँ पे भी कोई रेगुलेशन प्रोविजंस होते हैं तो उनको वो अबाइड करने पड़ते हैं. मैम नोज़की में क्लैट की प्रिपरेशन किस तरह से करवाई जाती है? बच्चों की क्लासेस क्या अलग से क्लासेस चलती है बच्चों की, किस तरह से होता है? जी मैम नोज़गे में लाइक हमारे पास 5 सब्जेक्ट्स अ डे होते हैं, 5 पीरियड्स होते हैं हमारे, नॉट सब्जेक्ट, 5 पीरियड्स होते हैं एवरी डे. तो हम 5 पीरियड्स को हमने डिवाइड कर रखा है, 2 पीरियड्स हमारे क्लैट के लिए दिए जाते हैं और 3 पीरियड्स हमारे जो होते हैं वो डोमेन सब्जेक्ट्स के लिए दिए जाते हैं, ताकि साइमल्टेनियसली हमारी दोनों तैयारियां हों. हमारे बच्चों को बोर्ड भी देना है, हमारे बच्चों को स्कूल के एग्जाम्स भी देने हैं, तो उसके लिए हमें रेडी करवाना है उनको, और हमें एंट्रेंस एग्जाम के लिए भी रेडी कराना है. तो साइमल्टेनियसली हम दोनों क्लासेस को लगाते हैं, डोमेन को 3 सब्जेक्ट्स 3 पीरियड्स दे दिए और हमारे क्लैट को 2 पीरियड्स दे दिए. तो इस तरीके से हमारा हफ्ते में सारे सब्जेक्ट्स कवर होते हुए हम उनको पढ़ाते रहते हैं. जी आपकी क्लास के रिजल्ट कैसे रहते हैं? मैम अभी तक तो अभी रिजल्ट अच्छे ही चल रहे हैं, बट लास्ट रिजल्ट ही बताएगा. अभी क्या आप मतलब 12th क्लास का ही लीगल सब्जेक्ट लेते हैं या 11th? नहीं मैम 11th 12th दोनों का ही, हाँ सेपरेट लेक्चर्स लगते हैं उनके, दोनों के ही लीगल के, हाँ उनका लीगल हर सब्जेक्ट का उनका सेपरेट ही लगता है 11th 12th का. तो ये क्लैट क्या मतलब 12th अगर आप कर रहे हो उसके साथ साथ दे सकते हो या 12th क्लियर करने के बाद क्या किस तरह से रहता है? मैम एक्चुअली ये जो एग्जाम होता है वो दिसंबर में ही होता है. दिसंबर में फिक्स? ये फिक्स है, दिसंबर में ही होगा, फर्स्ट वीक में सेकंड वीक में, बट ये होगा दिसंबर में ही. ठीक है. तो जब बच्चे 12th में होते हैं तो जब 12th में होते वक्त, जैसे अभी हमारे बच्चे जो 12th में, अब वो दिसंबर वाला अटेम्प्ट देंगे, तो वो मतलब एलिजिबल है, एलिजिबल है, जो भी बच्चा 12th में है वो एलिजिबल टू गिव क्लैट है. अच्छा मैम आप जैसे बच्चों को लीगल पढ़ाती हैं तो उसमें जो स्मार्ट क्लासरूम है, डिजिटल बोर्ड है, उनका क्या यूज रहता है? मैम दे आर वेरी यूजफुल. फॉर एग्जाम्पल अगर हमें कोई केस लॉ उनको बताना है, हम टेक्स्ट बुक के थ्रू उस केस लॉ को उनको रेफर कर देते हैं, हम उनको जस्ट एक्सप्लेन कर देते हैं विद द इंटरेस्टिंग मोड्स ऑल्सो वी कैन एक्सप्लेन कि ऐसे हुआ वैसे हुआ. बट द बेस्ट पार्ट इज जब ऐसा लगता है कि बच्चा कॉम्प्लिकेट कर रहा है, तो बहुत सारी ऐसी वीडियोज हैं आप यूट्यूब से ले लें, या बहुत सारे ऐसे PDFs हैं जो आप स्मार्ट पैनल पे इजीली उसको चलाकर उनको एक्सप्लेन कर सकते हो. तो स्मार्ट पैनल जो है आपका, एक तो सबसे पहली बात आपका जो टाइम टेकन जो होता है राइटिंग में एंड ऑल में, वो आप बचा सकते हो. आप घर से लेक्चर प्रिपेयर करके आओ, PDF लाओ और उसको वहाँ पे प्ले कर दो एंड उस PDF से बच्चों को एक्सप्लेन करो. एंड कहीं पे भी स्टक हो रहे हो तो जस्ट गो टू द टेक्स्ट,
हर चीज आपकी अवेलेबल है ऑनलाइन. आप उस टेक्स्ट को जाकर रेफर करो, उस बुक को भी आपको ऑनलाइन मिल जाएगी जिस बुक से आप रेफर कर रहे हो. वहीं साइड में ही बच्चों को आप दिखा सकते हो, दिस इज द बुक, दिस इज द डॉक्यूमेंट प्रूफ फॉर यू गाइज, एंड दिस इज द केस, एंड दिस इज थिंग हैपेंड. तो ये बहुत इजी बना देता है. जी बिल्कुल, क्योंकि आपने तो अपने टाइम पे बुक से पढ़ी होगी. हमने बिल्कुल बिल्कुल मैम, बिल्कुल बिल्कुल मैम, ये देखने लगे हैं. इवन मैम मैंने जहाँ पे भी स्कूल्स भी देखे, आई हैव सीन फर्स्ट टाइम दिस स्कूल ओनली कि जिसमें पूरा डिजिटल है, इतनी अच्छी फैसिलिटीज इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ बच्चों को दिया गया है और बच्चे उसको यूटिलाइज कर रहे हैं, टीचर्स उसको यूटिलाइज कर रहे हैं अच्छे से. वो हेल्पिंग हो रहा है, वो एक टीचिंग एड जो है हम सिर्फ कहते हैं, बट एक्चुअली इट इज प्रोवाइडिंग हेल्प टू अस, टू बोथ स्टूडेंट भी टीचर्स को भी. इट्स बोथ सेंटर्ड, लाइक स्टूडेंट एंड टीचर सेंटर्ड मीडियम, कि आप उसको दोनों तरीके से यूटिलाइज कर सकते हो. जी बहुत अच्छी बात है मैम, नोज़गी की. जी जी बिल्कुल मैम. आपको नोज़गी ज्वाइन किए हुए कितना टाइम है? मैम मुझे एक साल हो चुका है. एक साल हो चुका है जी. मैंने 2000 एक साल की जर्नी के बारे में बताइए मैम. बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी थी. मैंने मे 10th को ज्वाइन किया था यहाँ पे, एंड पता ही नहीं चला एक साल कब निकल गया. और गंगानगर में रहने का एक रीज़न भी है कि नोज़गे ज्वाइन कर लिया, अपने फील्ड से टच रही, बच्चों के साथ इंटरेक्शंस होते हैं, बच्चों को पढ़ाने को मिलता है. तो पूरा चैलेंजिंग्स, जब तक चैलेंजेस रहते हैं लाइफ में अच्छा लगता है. और बच्चों से कम्युनिकेट करना, बच्चों को पढ़ाना मुझे वैसे भी पसंद है. मेरी टीचिंग जर्नी जो है वो स्टार्ट हुई है 2021 से, तब से अभी तक चली रही है. थैंक यू सो मच मैम. थैंक यू वेरी मच मैम. हमारे इस प्रोग्राम में आए, आपने अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किए, आपने ये बताया कि भी क्लैट है क्या, किस तरह से आप इसमें करियर बना सकते हैं, लीगल सब्जेक्ट क्या है और कौन कौन से स्ट्रीम के बच्चे ये क्लैट क्लियर कर सकते हैं. तो थैंक यू सो मच आप इसी तरह से हमें और एडवाइस करती रहें, गाइड करती रहें और बच्चों को भी गाइड करती रहें. थैंक यू सो मच मैम. थैंक यू वेरी मच मैम. थैंक यू.